एक बड़ी खबर के साथ लखनऊ से खबर मिल रही है। एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ चुके हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल धरने पर बैठे हैं। लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे सीएम भूपेश बघेल। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ धरने पर इस वक्त सीएम भूपेश बघेल बैठे हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर धरने पर सीएम भूपेश बघेल बैठे हुए हैं। लखीमपुर जाने के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लखीमपुर जाने नहीं दिया गया। और इसको लेकर उन्होंने कहा था तानाशाही सरकार हो चली है और इसीलिए ये सरकार जो है वो लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है जो लखीमपुर नहीं जाने दिया जा रहा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल जो है वो धरने पर बैठ चुके हैं एयरपोर्ट पर ही। लखनऊ की तस्वीरें, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। ये बता दें आपको, कल ही उन्होंने जाने की कोशिश की थी लेकिन जाने उन्हें नहीं दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि ये सरकार जो है वो तानाशाह हो चली है और ऐसे में ये सरकार नहीं जाने दे रही। अब तस्वीर आप देखिएगा, धरने पर एयरपोर्ट पर ही बैठ गए हैं। ये जमीन पर धरने पर बैठे हुए इन तस्वीरों में आप उन्हें देख सकते हैं और इस वक्त वो एक ही मांग कर रहे हैं, लखीमपुर जो है उन्हें जाने दिया जाए। क्योंकि प्रशासन को सख्त निर्देश यहां पर है, प्रशासन अपने तमाम जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो कर रहा है। दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि उन्हें लखीमपुर जाने दिया जाए। क्यों उन्हें लखीमपुर नहीं जाने दिया जा रहा है, ये बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में चुनाव का ऑब्जर्वर उन्हें बनाया गया है। ऐसे में वो जाना चाहते हैं लखीमपुर की घटना को देखने के लिए, लेकिन अब इस बीच वो धरने पर बैठे हैं क्योंकि इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। और ऐसे में एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर और उनकी एक मांग है कि लखीमपुर उन्हें जाने दिया जाए। कल भी उन्होंने कोशिश की थी लेकिन नहीं जाने दिया था। अब धरने पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें जाने दिया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है। प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया था और उसके बाद से प्रियंका गांधी को हिरासत से अभी छोड़ा नहीं गया है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी लगातार कोशिशें कर रही थी लखीमपुर जाने के लिए। अखिलेश यादव की भी कोशिश थी। अखिलेश यादव जो है कल अपने घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए थे। अब सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है धरने पर बैठे हुए। हालांकि अब ये जो पूरा मसला है, किसानों और सरकार के बीच सहमति बन गई है, मुआवजे की बात भी यहां पर कर दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर, पूरा मामला देखा जाए तो पूरे मामले को लेकर जांच जो है वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि इसमें बख्शा किसी को नहीं जाएगा। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके अब इस पूरे मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल जो है वो लखीमपुर अभी भी जाना चाहते हैं और धरने पर फिलहाल वो बैठ चुके हैं लखनऊ में ही। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम भूपेश बघेल जो हैं एयरपोर्ट पर ही बैठ चुके हैं और धरना दे रहे हैं एयरपोर्ट पर बैठकर ही। उनका कहना है कि उन्हें लखीमपुर जाने दिया जाए, वो मिलना चाहते हैं पीड़ितों से, बात करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आखिर सरकार जो है वो क्या छुपाना चाह रही है। उन्हें रोका जा रहा है इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि सरकार क्या ऐसा छुपाना चाह रही है जो कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सरकार का, प्रशासन का दूसरी तरफ ये कहना है कि स्थिति जो है वो बिगड़े नहीं, इसीलिए कोशिशें चल रही हैं। पवन सेंगर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, भूपेश बघेल फिलहाल कहा जा रहा है एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए, क्या अभी ज्यादा जानकारी मिल रही है? मना पाई है प्रशासन उन्हें कि यहां पर से वो हटे लखीमपुर जाने के लिए क्योंकि वो अड़े हुए हैं? हाँ, देखिए अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में कांग्रेस रिजिड है। प्रियंका गांधी रिजिड रही, वो लगातार इस बात का प्रयास करती रही कि उनको लखीमपुर खीरी जाने दिया जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी एयरपोर्ट पे धरने पे बैठ गए हैं, उनका कहना है कि मुझे लखीमपुर खीरी जाने दिया जाए। लेकिन सरकार के सामने चुनौती है लॉ एंड ऑर्डर की। जो सिचुएशन लखीमपुर खीरी में थी उसको देखते हुए सरकार ने फैसला किया कि किसी भी व्यक्ति जो वहां पे जाकर के सियासी रोटी सेकना चाहते हैं उनको वहां पे नहीं जाने दिया जाएगा, चाहे वो अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, या अब भूपेश बघेल की बारी है, या चंद्रशेखर रावण, जयंत चौधरी, सतीश चंद मिश्रा, शिवपाल सिंह यादव, या तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं जो लगातार लखीमपुर खीरी का रुख कर रही थी, उनको अलग अलग जगहों पर डिटेन करने का काम किया। प्रियंका गांधी जब नहीं मानी तो उनको चलान करने का काम किया। अखिलेश यादव को लीको गार्डन ले जाया गया हिरासत में लेकर के, उसके बाद उनको छोड़ा गया, वो अपने घर आ गए। कांग्रेस इस मुद्दे को एक अलग स्तर तक ले जाना चाहती है, ऐसा बिल्कुल प्रियंका गांधी के रुख को देख करके लग रहा है। और शायद यही वजह है कि अलग अलग जगह से जो उत्तर प्रदेश में राजनीति में अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं, चाहे वो पर्यवेक्षक के रूप में हो या प्रभारी के रूप में, वो सभी लोग उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। उस कड़ी में भूपेश बघेल हैं जो लखीमपुर
लखीमपुर खीरी जाने के लिए जिद कर रहे हैं। प्रशासन उनको समझाने का प्रयास कर रहा है लेकिन वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि क्यों नहीं वहां जाने दिया जा रहा है, क्या छुपाया जा रहा है ताकि हम वहां पे जाएंगे तो हो सकता है कि वो बात खुल के सामने आ जाए। लेकिन ये बात जो बड़े नेता है, वो खुद मुख्यमंत्री है किसी स्टेट के, उनको समझना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर फर्स्ट है, उसके बाद उस पूरे मामले पे जांच हो रही है, तमाम तथ्य सामने निकल करके आ रहे हैं, वीडियो भी सामने आ रहे हैं, यहां तक कि बीजेपी के सांसद भी ट्वीट करके अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं, तो तमाम तथ्य धीरे धीरे सामने निकल करके आ रहे हैं। उस समय थोड़ी सी अगर संवेदनशीलता और थोड़ा सा धैर्य का परिचय दिया जाए तो निश्चित तौर पर जो आग लगी थी पिछले दिनों एक बार शांत होने के करीब में है, किसान आंदोलन कर रहे थे वो शांत हुए हैं, उनके बीच और सरकार के बीच में समझौता हुआ है और एक तरीके से किसान तैयार है अपनी मांगों को लेकर के, सरकार उसको मानने के तैयार है। लेकिन जो विपक्ष है वो नहीं चाहता है कि इतनी जल्दी इस पूरे मामले का पक्ताक्षेप हो, और इसका मुख्य कारण है 2022 चुनाव से पहले अपनी मौजूदगी जनता के बीच में दिखाना और जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे को। बिल्कुल पवन, यही वजह है कि जब सुलह हो चुकी है तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि अभी भी कांग्रेस क्यों अड़ी हुई है यहां पर लखीमपुर जाने के लिए, अभी भी इस तरीके की चीजें क्यों हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से धरने पर सीएम भूपेश बघेल बैठे हुए हैं।